अरबिक लैंग्वेज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है ख़ैर मकदम है आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वीक वर्ब यानी फैले मअल में से काला यालू के बारे में डिटेल से आज के क्लास में हम लोग जानेंगे पहली क्लास में काला या की गर्दान हमने देखी थी और इसी के साथ साथ फेल मअल के जो आठ फेल आते हैं यानी जो एक पैरामीटर होते हैं जो एक वज़न होते हैं उसी पे हम बहुत सारे फ़ेल की गर्दान कर सकते हैं जिसके बारे में पिछली क्लास में हमने जानकारी हासिल कर ली है और इसी के साथ साथ लू की गर्दान भी सीखी है अब इसमें काला या की गर्दान आपको मालूम है फेल मोतल है इसकी जो गर्दान होती है फेल सही की तरह नहीं होती बल्कि इसमें कहीं हम इल्लत को जो वाव अलिफ़ या है उसको इस्तेमाए साकिनैन की वजह से साक़ित कर देते हैं आज की क्लास में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ इज्तम शाकिन हो रहा है और किस तरह से इसको हम ड्रॉप करते हैं अगर इसको हम सीख लेते हैं तो हम कोई भी इस पैटर्न पे इस वज़न पे कोई भी फेल आए कोई भी हमसे पूछ ले ये असल में क्या था क्यों ड्रॉप हो गया कहाँ वाहिफ या, या में से आ गई कहाँ ड्रॉप हो गई इसके बारे में अगर हम जान लेंगे तो हम इसकी गर्दान अच्छे से कर सकते हैं तो इसी को देखते हुए अब हम लोग क्लास की जानिब चलते हैं जैसा कि सलाइड में आप लोगों को दिख ही रहा है कि काला या के बारे में आज हम लोग डिटेल से सीखेंगे देखिए क्लास शुरू करने से पहले आपको एक स्लाइड दिख रही है ये आप लोगों का टेलीग्राम चैनल है यहाँ से आप पी डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो की लिंक भी मिल सकती है जितनी क्लासें अभी तक हो चुकी हैं सारी पीडीएफ और उसी के साथ साथ वीडियो की लिंक वहाँ अवेलेबल है अगर अभी तक आप उससे जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाएं ताकि उससे आपको पीडीएफ भी मिल सके रिवीजन के लिए और वीडियो की लिंक भी मिल सकती है और इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें कोई कमेंट है कोई सुझाव है कोई मशवरा है वो भी दें और दोस्तों को भी शेयर करें उनको बताएं कि बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक अरबिक लैंग्वेज सिखाने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है चैनल है उससे आप आपबिक ज़ुबान सीख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और आइकन को भी दबा लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके अब हम चलते हैं आगे क्लास की जानिब देखिए काला या क्या है काला याकूलू काला या को इंग्लिश में क्या कहते हैं काला या को यानी कोई चीज कहना टू से से के माने में क्या आता है काला याकूलू अब इसकी जो कंजुगेशन है काला या कोलू की जो कंजुगेशन है आपने इससे पहले ऑब्ज़र्व कर रखा है यानी इससे पहले आपने कंजुगेशन पहली क्लास में देख रखा है कि फेले माजी हो या मुजारे हो या अम्र हो या नहीं हो चारों में किस तरह से प्रीफिक्स यानी शुरू में क्या चीज़ बढ़ता है इसी तरह सफ़िक्स यानी आखिर में क्या चीज़ बढ़ाया जाता है इसके बारे में आपने पिछली क्लास में जो फैल सही का जो माजी मुजार अमर नहीं वही पैटर्न इसका भी है बस ये कि इसमें थोड़ी सी चेंजिंग होती है कुछ ऐसी नई चीज़ें हैं जो बीच में ड्रॉप हो जाती हैं उसी को जानना हमें ज़रूरी है हालांकि फेले अमर फेल नहीं फेल माजी फ़ेल मुजारे जो सही के अवज़ान हैं छः उसके जिस तरह गर्दान होती है उसी तरह इसकी भी गर्दान है, की जाती हैं इसके भी उतने ही सेगे आते हैं यानी चौदह सेगे फैलमासी मुजारे के और छः छः सेगे अमर और नहीं के और यहाँ एक चीज़ होती है इज्तम साकििन यानी दो साकिन का दो जज्म का एक साथ इकट्ठा हो जाना तो उसमें जो वीक लेटर होता है वीक लेटर क्या होता है हरफिल्लत हरफिलत यानी अलिफ या तो वीक लेटर को हम साकित कर देते हैं ड्रॉप कर देते हैं तो इसी के बारे में हम आज जानेंगे देखिए एक मरतबा रिवीजन के तौर पर आप इसकी गर्दान देख लीजिए ये आपका फ़ेले माजी है फेले माजी की गर्दान है जैसा कि स्लाइड में आपको दिख रही है पिछली भी क्लास में आपने देखा है क्या है काला काला कला थर्ड पर्सन के लिए मुज़क़्कर के लिए यानी वाहिद तस्निया जमा मुज़क़्कर गायब के लिए काला काला कालू कालत कालता कुलना काला काला कालू कालत कालता तक सेम है लेकिन कुलना पे आकर के तब्दीली हो गई अब जब कुलना हो गया तो उसके बाद फिर आगे काप पे पेश ही रहेगा इधर देखिए ये है कुलता कुल तः कुल कुल तुम कुलत उलतमा कुल तन्ना कुलत ये आपकी माजी की गर्दान है पिछली भी क्लास में आपने देखी है अब इसी के साथ साथ हम मुजारे की गर्दान देख लेते हैं काला क़ूलु यकुल। यकुल। क़ुलू क्या होगा यक़ुलु ानी क़ूलूना तकोलु तकूलानी क़ुल्ला अब देखिए यक़ूलु कूलानी क़ूलूना तुल तकूलानी अब यक़ुल्ला आ के यहाँ तब्दीली हो गई यानी यहाँ वाव आपका ड्रॉप हो गया क्यों ड्रॉप हुआ कैसे ड्रॉप हुआ इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम लोग अगली स्लाइड में देखेंगे उसको जानने की कोशिश करेंगे कैसे इज्तम शाकिन हुआ कैसे ड्रॉप हुआ यकुल हो गया अच्छे से हो गए यानी थर्ड पर्सन के यानी वाहिद तस्निया जमा मुजक्कर गायब वाहिद तस्निया जमा मुआनस गायब अब हम हाजिर के देखते हैं तकुल अब जब तकुल तकुलानी तकना ये तीनों हो गए हाजिर के उसके बाद है तकुलीना तकुलानी तकुलना अब हम तकुलना पे आते हैं तो इसमें वाव हमारा ड्रॉप हो गया क्यों ड्रॉप हुआ आगे हम देखेंगे उसके बाद क्या है उसके बाद है अक़ुल नकुलू यहाँ भी वाव वापस आ गया उसके बाद नकुलू में भी वाव वापस आ गया यानी फर्स्ट पर्सन में वाहिद मुतकल जमा मुतकलम दोनों में वाव आपका वापस आ गया और युल्ला और तकुल्ला यानी वाहिद यानी जमा मुअन्नस गाइब और जमा मुअन्नस हाजिर दोनों में आपका वाव ड्रॉप हो गया यानी जो सेकंड पर्सन के दोनों यानी प्लूरल के सेगे हैं आप थर्ड पर्सन के मोनस वाले यानी मैस यानी फेमिनिन वाले इसी तरह सेकंड पर्सन के जो प्लोरल के गए यानी तीसरा वाला फॉर्म उसमें दोनों में क्या हुआ है वाव आपका साकित हो रहा है अब हम आगे देखते हैं देखिए आगे क्या है अब हम देखेंगे फेले अम्र और फेले नहीं आपको मालूम है फेले अम्र फेले नहीं के छः शेगे आते हैं और ये मुज़ारे से बनाए जाते हैं और मुज़ारे को पहले हम क्या कर देते हैं अलामत मुज़ारे या नून चार हैं मालूम है आपको उसको हम पहले साकित कर देते हैं तो क्या हो गया ता को गिरा दिया तो क्या हो गया ऊलू हो गया ओलू अब जाहिर सी बात है अमर में आखिर को हम जज़्म देते हैं तो क्या हो गया लू वाओ पे भी वाओ क्या है जज्म यानी उसके साथ में है साकिन के साथ में है लाम भी साकिन। अब दो साकिन जब मिल गए तो क्या हो गया हम जो कमज़ोर है हरफिलत है उसको ड्राफ्ट कर दिए तो क्या क्या हो गया कुल आपको मालूम है अमर बनाने का कायदा यह है कि मुजारे को हजफ़ करते हैं और शुरू में अगर साकिन है तो हम आन कलमा के अकॉर्डिंग हम अलिफ लाते हैं क्या बढ़ाते हैं अलिफ जैसे नसरा शुरु से उनसुर। कलिमा पे अगर पेश है तो शुरू में अलिफ पे पेश देते हैं और अगर ज़बर या ज़ेर है तो अलिफ पे ज़ेर देते हैं तो इसका क़ायदा है लेकिन अगर जज्म ही ना हो साकिन ही ना हो तो अलिफ को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है जैसे कि तकुलू में कुल बना दिया क्योंकि काफ़ पे हरकत है इसलिए अलिफ लाने की ज़रूरत नहीं थी तो कुल कुल के बाद कूला कुल में इस्तेमाल साकििन हुआ इसलिए वाव साकित हो गया और कूला में लौट आया कुल कुला कुलू कूली कूला कुलना और कुल्ला में फिर फिर ड्राप हो गया अब क्यों ड्राप हुआ कैसे ड्राप हुआ आगे वाली स्लाइड में हम सीखेंगे अब ता, ला तकुल आपको मालूम है नहीं बनाने का कायदा है कि शुरू में ला लाते हैं और आखिर को जज्म देते हैं अब जब त़ुलू था तो ला तुलू अब जब आखिर को जस्म दिया तो वाव पहले ही से साकिन है लाम भी साकिन इज्तम शाकििन हुआ हम वाव को ड्रॉप कर दिए हो गया ला तकुल अभी आगे डिटेल से देखते हैं ला तकुल ला तकूला यहाँ लौटाया वाव ला तकुलु ला तकुली ला तकुला ला तकुलना छः से गए हो गए इसके गर्दान हमने पिछली क्लास में भी देख रखी है रिविज़न के तौर पे मैंने इन दोनों को लाया है कि अब हम इसका देखेंगे कैसे कैसे ड्रॉप होते हैं सबसे पहले हम सीखेंगे फेले माजी के बारे में फ़ेले माजी की गर्दान अभी हमने देखी है कि काला कला काल कलत कलाता कुल् नुल तुल तुम कुल तुम कुल तिक तुम कुल तुम कुल तु कुल न सुन ली अब आप देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कैसे कहाँ तब्दीली आती है इसको आप सीखेंगे तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी कहा जा रहा है इज्तिमाही साकिन इज्तिमाही साकिनेन यानी दो साकिन का एक साथ जमा हो जाना इज्तिमा साकिनेन कहलाता है कमिंग टूगेदर ऑफ टू वावेस यानी दो जज्म एक साथ हो जाएंगे उसको इज्तिमा साकििन कहते हैं कहते हैं काला, 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 कालू, कालत, कालता पांच से के आपने सुन लिया पांचों में कहीं इस्तेमाल साकििन नहीं है इज्तम साकििन नहीं है इसलिए हरफ इल्लत ड्रॉप नहीं हुई तो काला काला कालू कालत, कालता पांच हो गए वही कह रहे हैं कि पांच तक नो चेंज अकर्ड लेकिन जैसे हम छठे में पहुँचते हैं यानी जमा मौन ऐब में पहुँचते हैं क्या हो जाता है कुल ना वाव हमारा ड्रॉप हो गया अब इसी को हम जानने की कोशिश करेंगे कि वाव क्यों ड्राफ हुआ कैसे ड्राफ हुआ कहेंगे यू फाइंड आप पाएंगे कि अलिफ़ इज़ मिसिंग अलिफ क्या हो गया अलिफ चला गया काला काला यानी काला में अलिफ बीच में था ना आप क्या पाएंगे कि अलिफ चला गया एंड अ जम्मा शुरू में क्या हो गया पहले काला पे फ़तहा था आखिर में क्या हो गया जम्मा आखिर शुरू में क्या हो गया पहले काला काफ पे क्या है ज़बर फतहा लेकिन छठे में क्या हो गया कुलना काफ़ पे क्या हो गया पेश आ गया पेश क्यों आया इसको हम जानने की कोशिश करते हैं अब रीज़न क्या है अब उसको हम देखेंगे क्योंकि इज्तम साकिनैन इस्तमाय साकिन जब हो जाता है दो साकिन एक साथ जब इकट्ठा हो जाते हैं तो उसमें जो कमज़ोर हो जाता है वो हार जाता है यानी वो गिर जाता है वो ड्रॉप हो जाता है तो वही कह रहे हैं जो कमज़ोर होता है उसको हम गिरा देते हैं वो वीक लेटर होता है जैसे काला या काला या काला असल में क्या था कोई भी पूछ ले काला असल में क्या था ये असल में क़ाला था अब लेकिन क़ाला अहले अरब की ज़ुबान है उनके ज़ुबान पे शकील है यानी भारी है इसका प्रोनउसिएसन जब उच्चारण करेंगे तो ज़बान पे बहुत भारी लगता है तो इसलिए कवाला से इन्होंने काला कर लिया ठीक है समझ में आ गया अब यही चीज़ बता रहे हैं कि काला या असल में क्या था काला असल में कावाला, कावाला था काला थालाक़लु असल में क्या था क़़ालाू पहले भी हमने देख रखा है अब ये चीज़ क्या है क़ला क़लू अहल अरब के नज़दीक ये थोड़ा सा सकील है क्या है ज़बान पे सकील है इसलिए उन्होंने काला यालू काला को कोला को क्या बना दिया काला और यक़लू को क्या बना दिया यक़ुलू बना दिया अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है काला काला कालू कालत कालता हो गया अब आखिर में जब हम कुलना पे आते हैं क्या पे कुलना कुलना पे हम देखेंगे हमारा वाव साकी हो गया और काफ पे पेश हो गया ये दोनों तब्दीली क्यों आई इसको हम जानते हैं देखिए हम पीछे कहाँ जाएंगे कवा के तरफ जाएंगे हम क्या पाए कवला से आखिर में कवला कवा कवलु कवल कवलता कवलना तो कुलना असल में क्या था कवलना था इसकी असल सूरत क्या थी कवलना था अब कवलना से क्या बन गया कुलना बन गया कुलना कैसे बन गया अब रूल बता रहे हैं रूल ये है कि वीक लेटर वीक लेटर क्या है वा अलिफिया यानी हरफ वाह और या अगर मुतहर्रिक हैं क्या है मुतहर्रिक हैं यानी उस पर साकिन नहीं है उस पर हरकत है और उससे पहले उससे पहले क्या है अगर फ़तहा है उससे पहले अगर फ़तहा है क्या है फ़तहा है तो हम क्या करते हैं वाओ और या कहते हैं कि वाव और या को अलिफ़ में बदल लेते हैं एक कायदा आप समझ लीजिए वाव आता है वाव आता है देखिए ज़बर ये जो वाव आता है पेश के मुकाबले में या आता है ज़ेर के मुकाबले में और अलिफ़ आता है ज़बर के मुकाबले में यानी ये ये जो साइन होती है उसमें से ज़बर ज़ेर पेश के मुकाबले में वाव अलिफ़ या भी आता वाव आएगा पेश के मुकाबले में या आएगा ज़ेर के अलिफ़ आएगा ज़बर के इसको जहन में आप रखिएगा तो ज़्यादा समझ पाएंगे अब क्या हुआ वाव और या को किस में बदल दिया अलिफ में बदल दिया अलिफ़ में क्यों बदल दिया अलिफ़ में, अलिफ में क्यों बदला अलिफ़ में इसलिए बदला क्योंकि अलिफ़ किसको चाहता है अलिफ़ ज़बर के मुकाबले में आता है किसके मुकाबले में आता है ज़बर के और या ज़ेर के वाव पेश के तो क्या किया दस्त कवलना क्या हो गया कवलना था अब हम वाव को अलिफ़ से बदल दिए क्यों क्योंकि क़ाफ से यानी वाव से पहले क़ाफ पर क्या है ज़बर आ रहा है इसलिए हम उसको जब अलिफ से बदला तो अलिफ हो गया तो हो गया काल, काल ना अलिफ पे भी साकिन और लाम पे भी साकिन तो दो साकिन जमा हो गए इसी को कहते हैं इज्तिमा शाकििन अब जब इज्तिमा शाकिन हो गया तो अब हम क्या करेंगे अलिफ़ को अलिफ को क्या कर देंगे अलिफ को साकित कर देंगे क्योंकि जो कमज़ोर होता है वही गिरता है अब जब अलिफ गिर गया तो क्या हो गया कलना हो गया अलिफ गिरा दिया तो कलना हो गया अच्छा कलना हो गया इतना समझ गए आप अब एक चीज़ मैंने पहले भी इशारा किया था वाव आता है किसके जगह पे पेश के अलिफ आता है ज़बर के और या आता है ज़ेर के अब हम इस चीज़ को बताने के लिए कि जो असल में हजफ़ हुआ है क्या हजफ़ हुआ है वाव वाव किसको चाहता है पेश को इसलिए उस चीज़ को बताने के लिए उसकी तरफ़ इशारा करने के लिए हमने का पे पेश दे दिया क्या दे दिया पेश यानी हमने उसको ज़म्मा दे दिया तो इसीलिए क्या हो गया वाओ इज़ तो कवलना बिकेम क्या हो गया कुलना हो गया आप समझ गए होंगे दोबारा वीडियो देखिएगा दोबारा इसकी ताली समझने की कोशिश कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा बहुत मुश्किल नहीं है अब आखिर में अब आगे जितने सेगे हैं कला कला कालू, कालत, कालता, कुलना, कुलना ही पे सारी डिस्क, सारा डिस्कशन हुआ कुलना के बाद कुल तुल तुम कुल तुम कुल तुल कुल आप कह रहे हैं इसी तरह इज्तम साकििन टू प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ नंबर एट एवरी लेवल फॉर्म नंबर सिक्स यू नोटिस सिमिलर चेंज अलीफ इज़ मिसिंग काफ़ है जम्मा तो क्या हुआ और आगे के जितने सेगे हैं सब में यही कहानी रची गई है सब में यही कहानी रची गई है तो क्या हुआ ये देखिए असल में था ये कुलना। क्या है कुलना है आपने देखा कुलना असल में क्या था कवलना था कवला से कवलना बनेगा ठीक है अब काफ़ पे क्या है ज़बर है तो इसलिए हम यहाँ इसको वाव क़ालिफ़ से बदल दिया तो क्या हो गया कालना तो काफ़ के बाद जो आपका अलिफ़ आया है ए भी साकिन और लाम भी साकिन तो क्या हो गया कलना हो गया कलना हो गया क्या हो गया कलना हो गया अब हम इस चीज को बताने के लिए कि जो ड्राफ हुआ है वो क्या है वाव हुआ है तो हम कलना से कुलना कर दिए क्या बना दिए समझ गए होंगे अब हम आगे चलते हैं अब हम यकूलू यानी मुजारे को देखते हैं मुजारे क्या है यक़ोलो यूलानी यक़ूलूना तकोल ताकूलानी क़ुलना तुलानी तकूल। तकूना तकुलीना तकोलानी तकुल्लना अक़ुल नक़ुलु अपने गरदान देख ली अब कह रहे हैं कि इसमें दो ऐसे सेगे हैं यानि जमा मानस गायब के और जमा मुनस हाज़िर के जिसमें इज्तिमा शाकिन हो रहा है और इज्त सा की वजह से वाव को हम ड्रॉप कर दे रहे हैं जैसे आप गर्दान को ध्यान से सुने यकूल वाव आ गया यक़ूलानी यक़ूलूना तकुल तको यकुलना वाव गिर गया तकुल तको लानी तको लूना तकुलना वाव गिर गया अक़ुल नकुलु अब यही हम देखेंगे कि हुआ क्यों कैसे देखिए इससे पहले आपने कंजुगेशन यानी माजी में आपने ऑब्जर्व कर रखा है कि इज्तम साकििन जहाँ होता है वहाँ इल्लत गिर जाती है अब यहाँ यकुलना छटा और तकुलना बारह नंबर पे यानि प्लोरल के यानि जो आपके फेमिनिन के हैं थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन प्लोरल फेमिनिन प्लोरल के दोनों से गए यकुलना तकुलना इसमें क्या हुआ वाव गिर गया वाव इसलिए गिर गया क्यों गिर गया देखिए यकुलना था असल में क्या था यकुलना था आपको दे, आप ये देख ही रहे हैं इसमें दोनों इज्तम शाकिने वाव भी है और क्या है लाम भी है तो वाव को गिरा दिया यकुलना हो गया इसी तरह तकुलना असल में क्या था तकुलना था वाओ साकिन लाम साकिन वाओ को गिरा दिया तकुलना हो गया उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी ताली अब हम आगे चलते हैं आगे क्या है फेले अम्र फेले अम्र क्या है कुल तकुलु से क्या बन गया कुल कुला कुलू कुली कुला कुलना आपको मालूम है फेले अम्र किससे बनता है फेले मुजारे से बनता है यहाँ फ़ेल मुज़ारे युल लिखा गया यकूलु नहीं तकूलु से बनता है क्योंकि हाजिर का सेगा तो हाजिर से बनेगा फ़ैले मुजारे आपको मालूम है कि अमर बनाने का कायदा जो मैंने पहले बताया है अलामत मुजारे को गिराते हैं उसके बाद शुरू में साकिन है तो अलिफ़ को लाते हैं आन कलमा पे जम्मा है तो ज़म्मा और अगर फ़तहा कसरा है तो कसरा लाते हैं मैं पहले भी इशारा कर चुका वही चीज़ इसमें कही जा रही है अलिफ़ लाते हैं अगर साकिन नहीं है तो उसके लाने की ज़रूरत नहीं होती है तो असल में तकुलु से क्या हो गया कुलु आपको मालूम है आखिर को जज्म देंगे वाव पे भी क्या हो गया आपका साकिन लाम भी साकिन दोनों साकिन इस्तेमाल साकिन हम किसको गिराएंगे हर इल्लत को तो क्या गिर जाएगा वाव गिर गया तो क्या हो गया कुल कुल ूला आखिर में फिर वाव लौटाया आया क्योंकि इज्तम शाकिन नहीं है कुल के बाद कूला कूलू कूली कुलना कुलना भी कुलना में भी क्या हो गया कूलू देखिए लास्ट लेटर फेले अमरी में सुकून ठीक है यकुलू बिकम यू नहीं यहाँ तकोलू हो गया तकोलू भी कम कुलू इज्तम शाकिन हुआ तो कुल असल में क्या हो गया कुल हो गया मैंने पहले भी बताया अब हम आगे वाली स्लाइड में देखते हैं आखिर में क्या है आखिर तक कुल के बाद कूला कूलू कूली कुल कूला कूलू कूली कूला यहाँ वापस आ गया क्यों इस्तेमाल साकििन नहीं अब आखिर में छठा क्या है कुल् यानी जमा मुअन्नस हाजिर कुलना कुलना असल में क्या था कूलना था अब देखिए वाव साकिन है लाम साकिन है तो वाव इज शाकिन हुआ तो वाव को हम गिरा देंगे तो क्या हो गया कुल्ला हो गया तो किस तरह हो गया कुल इज्तिमा शाकिन हुआ वाव गिर गया उसके बाद कूला कूलू कूली कूला कुल्ला कुल्ला में इज्तिमा शाकिन हुआ गिर गया आप पीडीएफ डाउनलोड करके फिर से इसका रिवीजन करेंगे तो फेल मुतल के बारे में अब तक जितना आपको झिझक थी इसके गर्दान से इसके कंजुगेशन से कुछ कोई लिखने के लिए कह हम घबराने लगते हैं इसको देखने के बाद मैं गारंटी के साथ कहते हैं मैं ये चीज़ कहता हूँ कि आप इसको सीख लेंगे आप इसकी धड़ल्ले से गर्दान भी कर पाएंगे और कोई पूछ भी लेगा कि असल में क्या था कैसे ड्रॉप हुआ इसको भी बता पाएंगे अब हम फेले नहीं पे चलते हैं फेले नहीं फेले नहीं आपको मालूम है फ़ेल मुज़ारे से बनता है शुरू में ला बढ़ाते हैं अलामत मुजारे बाकी रहती है अब जहाँ इज्तम साकििन होगा वहाँ वाओ गिर जाएगा जहाँ नहीं होगा वहाँ नहीं गिरेगा जैसे ला तकुल इजम सा हुआ गिर गया ला तकुला, ला तकुलू ला तली ला तला इन उसके बाद आपके पहले में गिर गया उसके बाद चार के बीच में लौट आया फिर आखिर में फिर गिर गया ला तकुल ला तकुला, ला लाताू ला तकुली ला तकुला ला तुल ना वही चीज़ कही जा रही है अब देखिए स्लाइड में क्या कर रहे हैं कह रहे हैं नंबर एक नंबर सिक्स दोनों में इस्तेमाल साने हुआ शुरू में आखिर में तो ला तकुल असल में क्या था लाताल्लू था देखिए वाव लाम साकिन तो गिर गया इस्तेमाल शाकिन हुआ वाव को ड्राप कर दिया ला तकुल हो गया आगे हम देखते हैं क्या है दो से पाँच तक ला तला ला तलू ला तकूली ला तला इसमें इज्तम साकिने नहीं वाव लौटाया वही कह रहे हैं इस्तेमाल साकिने नहीं इसलिए वाव को ड्रॉप नहीं किए फिर आखिर छठा वाला क्या है यानी जमा मुन्ना हाजिर वाला ला तकुलना असल में क्या था ला तकुलना वाव भी साकिन लाम भी साकिन गिरेगा कौन हरफ इल्लत वाव वावलफिया में से यहाँ क्या है वाव है वाव को साकित कर दिया क्या हो गया ला तुलना इज्त सा की वजह से उम्मीद है कि आज की क्लास में हमने काला या यक़लू माजी में क्या क्या तब्दीली आई कहाँ इज्तम साकिनेन हुआ काला असल में क़ला था फिर यक़ुलू असल में यानी यक़लू था यानी नसरा एनसरु के पैटर्न पे है किसके नसरा ए के पैटर्न पे फेल माजी देखा मुजारे देखा फिर अम्र देखा फिर नहीं देखा उसमें क्यों कैसे कैसे क्या हुआ कुल यानी कुल्ला कैसे बन गया और उसको हम किस तरह से हम अलिफ़ लाए और उसके बाद फिर हम वाओ को अलिफ से बदले और उसके बाद फिर आखिर में हम पेश क्यों दिए क्योंकि मैंने पहले बताया वाव जमा के मुकाबल में आता है अली फतहा के और या कसरा के इसका लिहाज रखते हुए सारी तब्दीली हम करेंगे तो हम आगे देखते हैं अगले अली स्लाइड में पिछले वाले में मैंने पाँच के गर्दाने की थी आज पाँच मैंने और ली है अब इसी के पैटर्न पे आप अपनी तरफ से ढूंढ करके निकालिएगा फेल और उसको अपने नोटबुक में लिखिए और उसकी गर्दान कीजिए ताकि काला या कोलू यानी नसरा के वजन पर जो कोई भी फेल आ जाए फेले मोतल उसकी गर्दान आप धड़ल्ले से कर सकें दारा या दूरू चक्कर लगाना घूमना दारा दारा दारू दारत दारतः धुरना दुरता दुरतुमा दुरतुम दुरती दुरतुमा दुरतुन्ना दुरतु धुरना यदूरु यदूरु यदुरानी रानी यदू तदुरानी यदुरना तदुरु तदुरानी तदुरुना तदू तदुरानी तदुरना अदुरु न अधूरू सारी तब्दीली वही हो रही है इस्तेमाल साकिने जहाँ हुआ वहाँ उसको साखि कर दिया काला असल में कवला था दारा असल में दवारा था बिल्कुल उसी पैटर्न पर आप उसको सामने रख करके इसको सामने रखेंगे बिल्कुल समझ जाएंगे तो जिस तरह कुल था इसी तरह दूर था दूर दूरा दूरु दूरी दूरा दूरना लाता दूर लाता दूरा लाता दूरु लाता दूरी लाता दूरा लाता दूरना इसी तरह फाजा या फुजू भी है यानी कामयाब होना फाजा फाजा फाजू फाजत फाजता फुजना कुलना के वजन पे फुस्ता फुसतुमा फुसतुम फुसती फुसतुमा फुसतुन न फुजना यफूज़ यफुजानी यफुजू न तफोज तफ़ूानी यफुज न तफ़ोज़ तफ़ूानी तफोजू न तफ़ोजी न तफ़ूज़ानी तफुजनाफोजो नफोज़ो फुसफूजा फूजो फूजी फूजा फुजना ला तफ़ुज ला तफुजा ला तफ़ूज़ू ला तफोजी ला तफोजा ला समझ गए ताफ़ा ताफ़ा या यानी घूमना तवाफ करना चक्कर लगाना ताफ़ ताफा ताफु ताफ़त ताफ़तफना तुफ तुफ तुमा तु तुम तुफी तुफ ना तुफन्ना तुफ तुफना तुफ यूफ़ानी ुना ततुफ़ तूफ़ानी या तुफना ततुफ़ तूफ़ानी ततुफुना ततुफीना ततुफानी ततुफना तूफ़ानी ततफना तूफ़ नुफ़ हो गया के वज़न पे तुफ तुफा तुफी तूफा तुफना ला ततुफ़ ला ततुफा ला तूफ़ू ला ततुफी ला ततुफा ला ततुफना ताबा युबो रिपेंट यानी पछतावा करना तोबा करना गलती से तोबा करना कि अब ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे तो उसके लिए इंग्लिश में आता है रिपेंट ताबा ताबा ताबत ताबता तुबना तुबता तुब तुमा तुब तुम तुबतीुब नानी यतुबू न तुब ततु बानी युब ना ततुब ततु बानी ततुबू न ततुबी न ततु बानी तुबना कुल के वजन पे तुब तुब, तुब तुबा तुबू तुबी तुबा तू बा तुब ना लाता तुब लाता तू बा लाता तू बू लाता तू लाता तू लाता तुब आधा यानी लौटना रिटर्न होना आधा आधा आदु आदत आदता उदना उत्ता उत्तुमा उत्तुम उत्ती उत्तुमा उतुन्ना उद उदना يعود يعودان يعودون تعود تعودان يعودنا تعود تعودان تعودون تعودين تعودان تعودنا أعود نعود عود <الطفق> عود بن گیا يعني قل کے وزن عود عودا <عيد> عودو عودی عودا عودنا لا تعود لا تعود لا تعودا لا تعودو لا تعودي لا تعودا أو لا उना हमने पांच सेगे को लिया एक एक करके पांचों के गर्दान यानी सॉरी माजी मुजारे अम्र और नहीं सारी गर्दाने हमने की इसी के पैटर्न पे आप और फ़ेल को देखिए उसका नोट बनाइए ये काला खाला के वज़न पे है यानी नसरा नसरासरू के पैटर्न पे है इसका फ़ेल माजी क्या होगा मुजारे क्या होगा अम्र क्या बनेगा नहीं क्या बनेगा उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को बिल्कुल समझ में आई होगी अब हम आखिर में क्लास ख़त्म होने से पहले आखिरी आखिरी स्लाइड सल, आपको दिख रही टेलीग्राम चैनल यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए उसका रिवीजन कीजिए ना समझ में आए वीडियो फिर से देखिए मैं गारंटी के साथ कहता हूँ फेल मतलब सबसे मुश्किल गर्दान मानी जाती है अक्सर लोग इसके गर्दान करने में ग़लती करते हैं और आखिर में आप लाइक भी करते जाएँ ताकि मोटिवेशन बढ़े कोई कमेंट है कोई सुझाव है आप दीजिए उस पर अमल किया जाएगा शेयर भी करें दोस्तों को भी बताएँ और इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और आइकन को भी दबा लें बस आज के क्लास में इतना ही इंशाल्लाह अगली क्लास में एक नए वजन के साथ आपने आठ देखे हैं आठों के बारे में हम डिटेल से अगली अली क्लास में एक एक करके पढ़ेंगे उस अगली क्लास में उसके बारे में एक नया फेल हम लेंगे फेल मोतल का उसके बारे में डिटेल से जानेंगे इन तो आज की क्लास में इतना ही फिर अगली क्लास में फिर मिलेंगे मासाम